हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर मैं डिप्लोमा हूं और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं स्ट्रक्चर में जाऊं, इज इट पॉसिबल। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मैं डिग्री हूं और सर मैं स्ट्रक्चर में जा सकता हूं क्या, इज इट पॉसिबल। तो आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा हर एक वीडियो सोल्यूशन बेस्ड होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ठीक है, चाहे फिर वो एजुकेशन का हो चाहे फिर कैरियर का हो। तो आज का जो भी टॉपिक है तो हम शुरू करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे, आपका भी जो क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके ही कमेंट के बेस पर होता है। अगर आपका कमेंट जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर ही हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं डिप्लोमा वालों से, क्योंकि डिप्लोमा वाले जूनियर हो गए ना, तो छोटों को ज्यादा प्यार करना चाहिए। तो डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा के बाद क्या बोलते हैं आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको स्ट्रक्चर में जाना चाहिए कि नहीं। तो यार सबसे पहले तो बैड न्यूज बोल सकते हो, डिप्लोमा के बेस पर स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल में आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में से बहुत से कॉन्सेप्ट लगते हैं, डायनेमिक एनालिसिस के, स्टैटिक एनालिसिस के, और जिस डायनेमिक में भी पी डेल्टा एनालिसिस है, कुछ और एनालिसिस है, इनके इतने कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि डिप्लोमा बेसिस पे, मेरा दोस्त है डिप्लोमा पढ़ाता है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, वो बताता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर उस मात्रा में अवेलेबल नहीं है, जस्ट इंट्रो पार्ट में है। इसलिए कभी भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल में शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिलेगी। अभी बच्चा निराश हो गया कि अब मैं डिप्लोमा करके नहीं जा सकता स्ट्रक्चर, मतलब मुझे ऑफिस जॉब नहीं मिल सकती है। मिल सकती है आपको ऑफिस में, तीन चार जो मेन जॉब है जिनमें आप जा सकते हो वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूं। आप डिप्लोमा करके आराम से ड्राफ्टिंग के लिए, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग हो या फिर आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग हो, एज पर योर इंटरेस्ट आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सर्च करो 3D मॉड्यूलर की जॉब, जिसके लिए आप रेविट या फिर 3ds Max आता हो आपको, तो आप 3D मॉड्यूलर की जॉब पे जा सकते हो, ये भी कॉफी जॉब है। आप अगर ये दोनों आपको नहीं पसंद है तो तीसरा इंटीरियर डिजाइनिंग की प्रोफाइल भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3ds Max और स्केचअप जो भी आपको आता हो। और चौथा जो जॉब आपके लिए बेटर हो सकता है, जो एकदम पैशनेट है कि मुझे सर स्ट्रक्चर पे ही जाना था, वो चौथा जो प्रोफाइल हो सकता है वो टेक्ला के ऊपर हो सकता है, जिसको बोलते हैं टेक्ला स्ट्रक्चर के जॉब, जिसके लिए 3D डिटेलर के प्रोफाइल का जो नाम होता है 3D डिटेलर। क्या 3D डिटेलर? टोटल चार प्रोफाइल्स पे आप आराम से जा सकते हो। पहला कौन सा प्रोफाइल था? ड्राफ्टिंग का, तो आप सर्च कर सकते हो स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन जो भी सिटी में हुआ वहां पर जॉब, या फिर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। दूसरा जो प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कि भाई आप अच्छे मॉडलर हो, मतलब अच्छी अच्छी मॉडलिंग कर सकते हो, रेबिट पे 3D मॉडलिंग स्केचअप पे या फिर 3ds Max कर सकते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, और चौथा आप अप्लाई कर सकते हो स्ट्रक्चर डिटेलर की, स्ट्रक्चर डिटेलर या फिर 3D डिटेलर बोलो या फिर रीबार डिटेलर बोलो, सारी प्रोफाइल एक ही है। इन चार प्रोफाइल में आप मुख्य रूप से जा सकते हो। इसके अलावा इन्हीं का एक सम पूरा का सम वर्क कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं बीम इंजीनियर या फिर बीम मॉड्यूलर। क्या बोलते हैं? बीम मॉड्यूलर। बीम मॉड्यूलर का काम और रेबिट जो मॉड्यूलर होते हैं दोनों एक ही होते हैं, 3D मॉड्यूलर बोलो, बीम मॉड्यूलर बोलो या फिर रेबिट मॉड्यूलर बोलो। तो इन चारों में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर इसमें जाना है, इसके लिए आपको बीम का कोर्स करना चाहिए, बीम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। चलिए, अब अभी भी कई लोगों की इच्छा है कि नहीं सर ठीक है स्ट्रक्चर डिटेलर की जॉब तो कर सकते हैं, बट मेरे को जाना ही है स्ट्रक्चर में, तो फिर गाइज आपको डिग्री स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। कई लोग प्राइवेट भी करते हैं, कई लोग फुल टाइम भी करते हैं, जैसा आपके पास बजट है उसके हिसाब से करिए। और अगर आप प्राइवेट या फुल टाइम कर रहे हैं, आपको कुछ इनकम सोर्स भी चाहिए, तो ऑटोकैड पर ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दो। यूनिक में किसी भी आर्किटेक्ट से मिल लो, आपके आसपास जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जस्ट डायल वगैरह हैं, उनसे सर्च कर लो कितने आर्किटेक्ट हैं, जाओ उनको बताओ कि सर मुझे ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आती है, यूनिक में 2-3 घंटे हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा काम आता है तो आपके लिए बहुत बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप यहां से डिग्री करिए, डिग्री करने के बाद ही आपको क्या बोलते हैं पूरी तरीके से स्ट्रक्चर की प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं डिग्री वालों से। अब डिग्री वाले कई सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे किसी ने बोला कि जब तक एमटेक नहीं करोगे तब तक आपको स्ट्रक्चर की प्रोफाइल में शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिलेगी। भाई ये गलत है, ठीक है। आप मेरे जॉब्स गाइड वाले चैनल को देख लेना, अब फिलहाल अभी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, 2 दिन का 1 हफ्ते से नहीं डाल पा रहा हूँ, जल्दी ही आएगा। उसमें जितनी भी मैंने स्ट्रक्चर की प्रोफाइल बताया है आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट है। आगे अगर मास्टर्स है तो
और अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन आप डिग्री के बेस पे भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो। अब डिग्री के बेस पे क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप बेटर जॉब सर्च कर सकते हो? डिग्री के बेस पे आपको ऑटो कैड आना चाहिए अगर आप स्ट्रक्चर में कैरियर बनाना चाहते हो। ऑटो कैड के बाद गाइस आपको स्टैट प्रो अगर आता है बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टैट प्रो बहुत से कंपनीज यूज करती है, धीरे धीरे स्टैट प्रो को पीछे कर रहा है ईटेप्स। तो अगर आपको स्टैट के साथ ईटेप्स आता है, और ईटेप तो सेफ के साथ कंबाइन ना, सेफ और ईटेप्स हमेशा कंबाइन सीखना, कहीं पर भी सीखना सेफ और ईटेप साथ में सीखना, ठीक है जी। तो अगर आपको ईटेप सेफ आ रहा है, स्टैट आ रहा है, ऑटो कैड आ रहा है, तो आप समझिए कि आप स्ट्रक्चर की प्रोफाइल्स के लिए काफी हद तक प्रिपेयर हो, ठीक है। साथ में अगर आपने एक्सेल सीख रखा है, क्योंकि एक्सेल से क्रॉस चेकिंग बहुत सारी कंपनियां अभी भी करती हैं, तो एक्सेल सीख रखा है तो चांस मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तीन चार चीजें हैं, एक्सेल सीख लीजिए, ईटेप सेफ सीख लीजिए, स्टैट सीख लीजिए, ऑटो कैड सीख लीजिए। ये तो गया सॉफ्टवेयर। थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी के लिए डॉक्टर वीएल साह सर की बुक मैं आपको रिफर करता हूं, क्योंकि उस बुक में यार सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बुक में देख रहा हूं कहां है, तो अभी रखी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उस बुक में नहीं है, ठीक है। बुक एक बार समझ में नहीं आएगी, दो से तीन बार आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी टफ है स्टार्टिंग जो लोग बिगनर्स होते हैं। मुझे भी पहली बार में समझ में बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, मैं कहा यार इसमें तो सब कुछ है जो हमने कॉलेज में मिस किया था, वो सब कुछ डॉक्टर वीएल साह सर की बुक में मिल जाएगी आपको, वो पढ़ लीजिए और ये तीन चार सॉफ्टवेयर से कर लीजिए, ठीक है। मैं अपने हर एक ऑल इन वन वाले स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप ऑल इन वन तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है, 250 घंटे का है, और 250 घंटे आपका प्रैक्टिस का, मतलब 500 घंटे, और प्लस डॉक्टर वीएल साह सर की बुक जो कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 से 70 आवर्स में आप पढ़ सकते हो, तो आपके पास लगभग 600-700 घंटे लगेंगे आपको। अब इंजीनियर वाले लैंग्वेज से जाएगा, 600-700 घंटे डिवाइड करो कि हम कितने दिन में इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर, बट इंजीनियर्स के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, बड़ी कैपेसिटी होती है। एक दिन में जब हमने पेपर्स निकाल दिए तो ये कौन सी बड़ी चीज है, तो आप इस पर कोशिश करो बिल्कुल। आप स्टैट आप बीटेक या फिर बी किए हो तो भी आप स्ट्रक्चर प्रोफाइल में जा सकते हो, आप लोगों को मैंने प्रोफाइल बता दिया। अब कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें हैं तो कि स्ट्रक्चर में जाएंगे, बट कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, बट मुझे ऑफिस जॉब चाहिए सर। तो भाई दूसरा आपके लिए ऑप्शन है बीम, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसके लिए आप रेबिट, ये सब छोड़ दो, ना इनको नमस्ते बोल दो, फिर क्या करो रेबिट, रेबिट के बाद आप स्केचअप सीख लो, नेविसवर्क सीख लो, ठीक है। इनके द्वारा आप आराम से मॉडलिंग के लाइफ में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हो, बीम इंजीनियर, बीम मॉडलर, इन फ्यूचर आप क्या हो सकते हो, बीम मैनेजर भी बन सकते हो। बीम मैनेजर बनना मतलब अच्छी खासी कमाई भी आप कर सकते हो, तो चाहे बीम में जाओ चाहे स्ट्रक्चर में जाओ, दो ही जॉब सबसे अच्छी मुझे लगी अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में, लगभग 6 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, तो दो जॉब मुझे बहुत क्रीम लगी, ठीक है और भी सिचुएशन है। अब आप सोचिए समझिए, मैंने बीटेक का भी क्लियर कर दिया और बी का भी क्लियर कर दिया, और अब इन्हीं दोनों प्रोफाइल में अगर आप करियर बनाते हैं तो आप जॉब सर्च कर सकते हैं, बहुत ढेर सारी जॉब्स इनके ऊपर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस जरूरत है एक्चुअली में किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ पोर्टफोलियो आपका रिप्रेजेंटेशन है, बताता है कि आप कितने काबिल हो, और जब आप काबिल हो तो आपके शॉर्टलिस्ट नहीं होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। कई लोग के क्वेश्चन आते हैं सर मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, बट मैं चाहता हूं अभी आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करो, सो दैट कि नेक्स्ट जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगी उनमें एक एक टॉपिक्स को हम लोग कवर करते चले जाएंगे। अब मैं आ चुका हूं पूरी एनर्जी के साथ, कंटिन्यू आपको एक एक वीडियोस मिलते जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आप अपना कमेंट करके नेक्स्ट पूछते जाइए, आपके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, क्योंकि दिक्कत है कि ना कि अगर आप किसी और का भला करोगे तो आपका लाभ होगा, क्योंकि भला उसका उल्टा होता है लाभ, ठीक है। आप अगर भला करोगे तो भला कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।